नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के चलते चीन और अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीनी चेतावनी के मद्देनजर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 24 लड़ाकू विमानों की निगरानी में ताइवान पहुंची हैं। उनके विमान को अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने स्कॉर्ट किया। चीन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से 70 साल से चल रहा चीन ताइवान विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ ताइवान पहुंची है, तो आइए जानते हैं ताइवान में उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका के 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स नजर बनाए हुए हैं। ताइवान की मिलिट्री पुलिस टीम को भी तैनात किया गया है। ताइवान के F-16 एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया गया है। अमेरिका के 2 P-8A सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। अमेरिका के 2 RQ-1 प्रेडेटर ड्रोन सुरक्षा में लगे हुए हैं। अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट भी हर खतरे पर नजर रखी हुई है। बता दें अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार देर शाम ताइवान पहुंची। US स्पीकर के इस दौरे से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं स्पीकर के इस दौरे से अमेरिका ने ताइवान के साथ प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की, जबकि चीन इसे अपना क्षेत्र बताता है। उधर चीन अमेरिकी स्पीकर के इस दौरे को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बता रहा है। उधर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि इस दौरे को ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बहाना न बनाया जाए।